वैशाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बस एक बार मुझे अपने करीब तो आने दो। अब तुमसे दूरी मुझसे सही नहीं जाती। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि मुझसे शादी कब करोगे। तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ की किडनी का ऑपरेशन करना है, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इन हालात में उनसे शादी के बाद कैसे करूँ? अगर तुम कुछ मदद कर देती तो ऑपरेशन। अब मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर तुम ये सोने की चेन मुझे रहने दो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, किसका फोन है? किसी का नहीं। तुम सही कह रहे हो कमल, अगर मेरे गहनों के बदले तुम्हारी माँ का इलाज होता है तो रख लो ये चेन, और हाँ ये कान के बाले भी। वैशाली, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसमें एहसान कैसा। मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। मूर्ख लड़की, कितनी आसानी से मैंने इसे बेवकूफ बना लिया। देखो तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है, अब तुम मुझे और परेशान मत करो। कुछ दिन में मैं शादी करके जा रही हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। कब देखा तुमने इस लाश को यहाँ? सर, मैं रोज की तरह सुबह टहलने निकला था तो ये लाश दिखी। सर, इस लड़की की लाश तो नीली पड़ गई है, लगता है किसी ने जहर देकर मारा है, और कोई चोट का निशान भी नहीं है बॉडी पर। सर, इसके पास ये मोबाइल और पर्स मिला है। इसके सामान से पता करो कि है कौन, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैडम, उसका नाम संजय है, वो लड़का मुझे शादी का झांसा देकर मुझसे पूरे 50,000 रुपए लूट कर ले गया। कल रात से उसका फोन भी बंद है, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम उसके घर वालों को, दोस्तों को, किसी को जानती हो? किसी से पता किया कि वो कहाँ है? उसने कहा उसके पिता नहीं है, कहा था सिर्फ माँ है। मुझे लगता है वो सब झूठ था, उसने मुझे बेवकूफ बनाकर लूट लिया। मैडम ठीक है ठीक है, तुम उसकी तस्वीर मुझे फॉरवर्ड करो, मैं पता लगाती हूँ। वीसीआर, कुछ पता चला उस लड़की की लाश का? कौन है वो? सर, उसका नाम वैशाली है, मैंने पता किया। उसके परिवार में मम्मी पापा और ब्रदर हैं जो गांव में रहते हैं, वो यहाँ अकेली रहती थी। उसके फोन में से उसके एक लड़के के साथ बहुत सारे पिक्चर मिले हैं, उसी लड़के के साथ बहुत सारे चैट्स भी हैं। लड़के का नाम कमल है। अयो, ये देखिए दोनों की साथ में पिक्चर। फोन पे चिटिंग, लड़की से सेटिंग, जरूर लड़के ने ही मारा है लड़की को। माँ के बिना धार की तलवार से बगीचा नहीं काटते, उसी तरह बिना पुख्ता सबूत कोई बात सच नहीं होती। जाकर पता करो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या नहीं। अरे ये तो वही लड़का है संजय, जिसकी रिपोर्ट कल चेतना ने लिखवाई थी। संजय, ये तो कमल है। नहीं सर, ये संजय है, चेतना का बीएफ, जिसने कंप्लेन की है कि ये उसके 50,000 लेकर भाग गया। स्ट्रेंज, एक आदमी के दो अलग नाम, दो अलग लड़कियां
और उनमें से एक लड़की का मर्डर। आखिर माजरा क्या है? शीला, चेतना से इस लड़के संजय के बारे में और कुछ पता करो। जी सर। VCR, तुम वैशाली के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। पता करो कि जिस दिन उसकी मौत हुई वो कहां गई थी, किससे मिली थी। यस सर। मैडम, वो मुझे 2 महीने पहले मिला था। कहा था अपने गांव से दूर यहाँ पैसे कमाने आया है। नए बिजनेस के लिए 50,000 की जरूरत है। इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? वो पैसे मैंने अपनी बहन को दिए थे। मेरी बहन चेतना उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसके गुस्से को भी बर्दाश्त कर लेती थी। इन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए मैंने अपनी बहन चेतना को संजय को देने के लिए 50,000 रुपए दे दिए। मोहन, क्या तुम कभी संजय से मिले थे? नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला। क्या तुम वैशाली नाम की किसी लड़की को जानते हो? नहीं। तुम्हें कभी शक हुआ कि संजय की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की भी है? संजय अक्सर छुप छुप कर किसी लड़की से फोन पर बात करता था, किसी को जान से मारने की धमकी देता था। मैं पूछती थी तो कहता था कि बिजनेस के सिलसिले में किसी से बात कर रहा है। मैंने उनके फोन में किसी लड़की की फोटो भी देखी। जब मैंने पूछा कि वो लड़की कौन है तो बोला कि उसके दोस्त की बहन है। हाँ, यही वो लड़की है जिसकी फोटो संजय के फोन में देखी थी। ये आपके पास कैसे आई? इस लड़की का नाम वैशाली है। इसका मर्डर हो गया है। संजय ने इससे भी प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन इससे अपना नाम कमल बताया था। ये लड़का पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ ये धोखा कर चुका है। तुम्हें अगर संजय की कॉल आए तो हमें रिपोर्ट करना। सर, ये संजय बहुत चालाक है। उसने चेतना या वैशाली दोनों को कभी अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलवाया। चेतना का कहना है कि वो फोन पर वैशाली को जान से मारने की धमकी देता था। मुझे तो लगता है ये लड़का लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें लूट कर मार देता है। लेकिन शेला, अगर उसका मकसद सिर्फ लड़कियों को झांसा देकर लूटना है तो उसने वैशाली को जान से क्यों मारा? वैशाली को मारने की वजह पता चलना बहुत जरूरी है। सर, वैशाली की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत जहर पीने के 4 घंटे के बाद हुई है। जरूर उसे जहर कमल ने ही दिया है। तुम्हारा मतलब संजय ने? नहीं, कमल ने। उसका नाम कमल है या संजय या कुछ और, ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा।